पाई लागू प्रणाम सर। मैं आज धूप अगरबत्ती करके बैठी हूँ, भगवान से मिन्नत मांग के बैठी हूँ कि आज अपने क्लास में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। तो आज आप शुरू कर दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। चुप, साइलेंस प्लीज, फिंगर ऑन योर लिप्स। बोलिए सर, बोलिए। ओफ हो सर, आप कितने फनी है, आप जैसे मैंने लड़का नहीं देखा। सर फिंगर ऑन योर लिप्स, मैंने खुद को बोला था, आप क्यों फिंगर ऑन योर लिप्स लगा, तो आप मेरे क्लास कैसे लेंगे? हाय, मैं आप ना मेरे से इंग्लिश क्लास ले लीजिए, आपकी इंग्लिश तो बहुत पुअर है, आपको बहुत ट्यूटरिंग की ज़रूरत है। यू नो आई हैव बीन टू लंडन एंड आई हैव मेट द क्वीन, यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम मी, ओके बाय। ओके सर, आगे बढ़िए। ठीक है, बताइए बताइए, बिल्कुल सुन रही हूँ। क्या सर, आपने क्या बोला? कंप्यूटर में माउस है? सर आपकी अंग्रेजी बहुत पुअर है, आई एम सॉरी टू से। हाँ, कंप्यूटर में माउस कैसे होगा सर? सोचिए तो सही, ये घर है, कोई जू नहीं है। ओके, और मुझे कोई पेट्स का शौक नहीं है कि भाई मैं घर में माउस और कैट और बैट। और मैं ना, मतलब आप CAT कैट, BAT बैट, RAT रैट सब मुझे पता है, आप माउस क्या बता रहे? गॉड, तो सर आप ऐसे एक्सप्लेन करते ना कि माउस ये एक चीज का नाम है जिससे हम कंप्यूटर पे, मतलब हमें सहायता होती है जाने के लिए। आपका जो तरीका है ना सिखाने का, सर ये आजकल के बस जनरेशन ऐसे ही है, क्या बोलूँ मैं, हर चीज में ना यूं ही गड़बड़ करते हैं आप लोग ना, बस फास्ट फॉरवर्ड, चिल चिल। हाँ, अब मैं आपको बोलूंगी चिल कैसे लगेगा, माउस माउस बोल के मैं बोलूंगी चिल सर चिल, कैसे चिल करेंगे? बच्चे लोग भी ऐसे ही करते, समझते नहीं है। ठीक है, समझ गई सर। ओके चलो, माउस है, समझ गई। तो अभी माउस से क्या करना है? अच्छा, स्क्रीन पे लेके जाके देखना है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, आज की क्लास फिर भी समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। थैंक यू थैंक यू, पाई लागू सर। हाँ थैंक यू।